हेलो, तो चलो ठीक है अभी आप एक आइलैंड टूर कर लेते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन सी जगह है यहाँ पर। इन द मैप इफ यू कैन सी, दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ से हमें जेटी अराइवल होता है, ठीक है, जहाँ से हम आए थे उसका वीडियो। फिर यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स रिसेप्शन, देन इसके पास ही है कंडुमा कैफे एंड वकूरा क्लब, कॉफ़ी क्लब, एंड देन वी हैव द पूल एरिया। यहाँ पर भी एक बीच एरिया है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। ये आ गया, देखो ये बीच वाला एरिया था, ये पूल आ गया, और ये जो हट्स बनी हुई हैं ये हमारे फूड वाले सेक्शन है, फूड और रिसेप्शन वाला सेक्शन है। चलो भाई, चलो चलो चलो। गाइस, ये है कैफ़े जहाँ पे अभी हमने ब्रेकफास्ट किया, और इसके सामने सी व्यू, ये है पूल, यहाँ पे इन लोगों ने छोटा सा वाटर पार्क टाइप का बना रखा है बच्चों के लिए, और ये भी, ये शायद किड्स रूम है, यहाँ पे अभी हम जाएंगे, ये वाला, ये रिसेप्शन एरिया। ये वाला है बच्चों का, अरे हाँ, इस पे स्ट्रॉलर कैसे जाएगा। जैसे तैसे पार करके इसको स्ट्रॉलर हम लेके आए हैं यहाँ पर किड्स सेक्शन में। चलो देखते हैं किड्स सेक्शन में क्या है। So that others you can use anytime 8 to 8 o'clock.
काफ़ी अच्छा बना रखा है यार, किड्स प्ले एरिया तो सुंदर बना रखा है। Here we have the rooms. These are the beach villas. This is the swim area. The nearest beach from our room is this swim area. So हमें जो room मिला है वो room number 35 है, this one. And just यहाँ से walk करके जाओ, ये रहा beach. Just 2 minutes walk. So यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ से सीधा जाके इधर ही beach बना हुआ पूरा. Okay. आज भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, बादल बादल वाला मौसम हो रहा है। सी प्लेन जा रहा है उड़ता, स्पीड बोट के अलावा सी प्लेन से भी आते हैं लोग यहाँ पे। Then we are having gym and spa. तो हमको जाना ऐसे पड़ता है यहाँ से, पहले 35 से होम गार्डन, होम गार्डन से फिर जिम एंड स्पा आएगा, उसके बाद यहाँ से आप जाओगे तो दीज आर ऑल्सो द बीच विलाज एंड दिस इज ऑल्सो वन शोर राइट। और यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग करंट रहती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे स्विम विम करना ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग करंट वाला एरिया है ये सारा। तो भाई किड्स रूम के बाद अब हम आए हैं यहाँ से, इस जगह से हम लोग आए हैं, दिखाता हूँ मैं। ये जो विलास बने हुए हैं इसके बैक साइड में हम थे, वहाँ पे किचन वगैरह भी थी, और यहाँ से अब हम आए हैं इस वाले पे। यहाँ पे हाई टाइड्स रहती है और करंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। This is east side of the coast. तो sunrise यहाँ से होता है, जो मैंने वीडियो बनाई थी sunrise की भी, वो यहाँ पे sunrise होता है। Waves देखो कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। मौसम अब अच्छा हो गया, बादल आधा हो गया। हेलो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके वाटर विलास, दीज ऑल आर दी वाटर विलास। हेलो, रेडी फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द डे, और अब हम जा रहे हैं बाकी आइलैंड कवर करने। पहले हम जाएंगे, कहाँ पे जा रहे हैं? वाटर विलास पे, वाटर विलास पे जाएंगे, उसके बाद बाकी आइलैंड कवर करेंगे। चलो, मॉमी चलो, मॉमी एंड हनु। तो भाई मैप के हिसाब से ये है हाउस नर्सरी और हाउस गार्डन टाइप का,
और यहीं से हमें जाना था, यहीं से हम आए थे। बीच में स्पा सेंटर भी आया था, तो वो आएगा, उससे रास्ता हमें पता लगेगा। स्पा सेंटर से फिर हमें लेना था राइट, आते टाइम राइट लिया था, तो जाते टाइम हम लेंगे लेफ्ट। और आई थिंक इनके बैक साइड में बीच वाला एरिया है, हमें वापस वहीं जाना है क्योंकि वहाँ पर ही वाटर विलास बने हुए हैं। ये देख लो गाइस, ये स्पा सेंटर है, एंड हियर वी गो, हमारे वाटर विला का रैंप स्टार्ट हो चुका है। इस तरफ और बीच विलास बने हुए हैं। वाह यार, वाटर विलास से तो अमेजिंग व्यू है। यहाँ पर सनसेट होगा आई गेस। ये सारे वाटर विलास हैं। This is the last water villa. ये I think बड़ा भी है थोड़ा। चलो भाई, स्वाति ने एक जन को बोला है Thank you. You're very welcome. Don't worry. I know we are not able to see the lights, but it's okay. भाई यहाँ photos click कराएंगे अब। इस झोपड़ी में खींचो 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 खींचो। स्वाति और हनु की फोटोज क्लिक होगी। वाटर विलास देख लो गाइस, यहाँ से भी व्यू की तो तबड़ा आ रहा है यार ये। चलो इनकी फोटोज क्लिक करते हैं। और बैक साइड में भी आइलैंड के कुछ बीच विलास बने हुए हैं, और यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बीच विलास हैं। और यहाँ पर हमने फोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी और वीडियो भी बनाया था, दिखाता हूँ। एंड दिस इज़ द सर्फ शैक एज वेल। सो ये पूरा हमने कवर किया था, यहाँ पे हमने फोटोज़ क्लिक करवाई थी। अब हम आ गए हैं दूसरी लोकेशन पे, और ये भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है, दिखाता हूँ आपको। ये बने हुए हैं बीच विलास, और ये देखो कितनी अच्छी हार्ट्स टाइप की बनी हुई है। और यहाँ पर भी वेव्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्लिक करते हैं कुछ फोटोज, फिर आगे चलेंगे। So yeah, this is the map of the island, and with this map your island tour is completed.